हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें स्वास्थ्य संबंधित। महिलाएं अपना कीमती समय निकालकर ज़रूर सुने। नंबर एक, अमरूद की सूखी छाल पनकुट्टी में पीसकर पानी के साथ नहार मुँह एक चम्मच खाएं। सूखी और खूनी बवासीर में आराम होता है और जिसको बवासीर की कोम बाहर हो जड़ से कम हो जाती है। नंबर दो, घर में बिल्ली या बकरी पालने से बरकत बनी रहती है। नंबर तीन, मौसम की तब्दीली की वजह से अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो गोश्त का शोरबा पीने से आराम मिलेगा। नंबर चार, बकरी का दूध पीने से दिन भर कितना भी काम किया जाए थकावट महसूस नहीं होती। नंबर पाँच, खाने के दौरान ज़्यादा पानी पीने से नाखून कमज़ोर होकर टूट जाते हैं। नंबर छः, सूखे धनिया की चटनी बनाकर खाने से खांसी दूर होती है। नंबर सात, गर्दन में दर्द हो तो शबनम के कतरे गर्दन की दर्द वाली जगह पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। नंबर आठ, जो औरतें मेथी दाने का इस्तेमाल करती हैं वो हमेशा जवान नज़र आती हैं। नंबर नौ, रोज़ाना गाजर खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। नंबर दस, जो लोग डिप्रेशन का शिकार है धनिया की खुशबू सूंघने से डिप्रेशन कम होता है। नंबर ग्यारह, रोज़ाना खाने के बाद एक टुकड़ा गुड़ का खाने से खून तेज़ी से बढ़ता है और सेहत बनी रहती है। नंबर बारह, पानी का इस्तेमाल सुबह के वक्त ज़्यादा और शाम के वक्त कम पीना चाहिए। नंबर तेरह, सर पर नमक वाला पानी डालने से सर के जुएं मर जाती हैं। नंबर चौदह, गुलाब का फूल चेहरे पर मलने से चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। नंबर पंद्रह, रात के वक्त तीन बादाम शहद के साथ खाने से दिमाग तेज़ होता है। नंबर सोलह, सुबह के वक्त खीरा खाने से दिल की धड़कन हमेशा मतवाजन रहती है। नंबर सत्रह, रोटी खाने के बाद थोड़ा सा मीठा या गुड़ का टुकड़ा खाने से सांस की नाली साफ हो जाती है। नंबर अट्ठारह, नीम के पत्ते का रस पीने से पेट में कीड़े नहीं होते। नंबर उन्नीस, तकिए को हफ्ते में दो बार धोने से बाल मजबूत होते हैं। नंबर 20, अगर बल्ब के पास मोर का पर चिपकाने से कभी भी घर में चिपकली नहीं आएगी। नंबर 21, आंसू रोकने से सर दर्द, बीपी और गुस्से की बीमारी हो जाती है। नंबर 22, उबले हुए अंडे खाने से शरीर फिट रहता है। नंबर 23, रात के वक्त खाना नहीं खाने से एक कबूतर के शरीर के जितना खून कम हो जाता है। नंबर 24, पट्ठों में दर्द हो तो दिन के टाइम धूप में बैठकर काली मिर्च चबाया करो, दर्द में आराम मिलेगा। नंबर 25, अगर मोटे लोग गन्ने का शरबत रोज़ाना पीते हैं तो शरीर से थकावट दूर होती है और बदन में फुर्ती आती है। नंबर 26, मिट्टी के बर्तन में भैंस का दूध डालकर पीने से शरीर में ताकत आती है। नंबर 27, सेब खाने के बाद फौरन पानी पीने से गला ख़राब हो जाता है। नंबर 28, खाली पेट अंगूर के दाने खाने से दिमाग तेज़ होता है। नंबर 29, घर में जुगनू उड़ता हुआ नज़र आए तो समझो ओके, घर में बरकत आने वाली है और पैसा आने वाला है। नंबर 30, ज़्यादा पेट भर खाना खाने से मैदे में कैंसर हो सकता है। नंबर 31, पैरों पर जैतून का तेल लगाने से पैरों का दर्द कम हो जाता है। नंबर 32, जो लोग खाने में नमक ज़्यादा खाते हैं वो बीमारी का शिकार होते हैं। नंबर 33, नहर पेट करिया पाक का उबला हुआ पानी पीने से हाई बीपी की समस्या ख़त्म हो जाती है। नंबर 34, दूध में मखाने उबालकर खाने से शरीर में ताकत बनी रहती है और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 35, रोटी पकाने के बाद तवा नहीं धोकर रखने से रिस्क में कमी होती है।
नंबर 36, गुड़ का पानी पीने से बवासीर की बीमारी में आराम मिलता है। नंबर 37, अगर आपको दस्त लगे हो तो खशखश में शक्कर मिलाकर खाएं, दस्त आना रुक जाएंगे। नंबर 38, बकरे की हड्डियों का सूप पीने से हड्डियों में ताकत बनी रहती है, कैल्शियम और आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 39, अगर रात के समय नींद ना आती हो तो अपने दोनों हाथों को मिलाकर मसले और उंगलियों को खींचने से नींद आ जाएगी। नंबर 40, शाम के समय गोभी खाने से दांत दर्द होता है और चावल खाने से पेट की चर्बी बढ़ जाती है। नंबर 41, स्टील के ग्लास में पानी पीने से दिमाग तेज हो जाता है। नंबर 42, शाम के टाइम मछली खाने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। नंबर 43, रोज़ाना नहार मुँह 2 लहसुन की कलियां खाने से शरीर का खून पतला होता है। नंबर 44, लौंग के तेल को ब्रश पर लगाकर दांत साफ करने से दांत चमकदार होंगे और दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। नंबर 45, फर्नीचर पर दीमक लग जाए तो साफ करके इस हिस्से में आयोडेक्स लगाएं, दीमक मच जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। नंबर 46, जो औरतें काम के दौरान थक जाती हैं, रोज़ाना 3 खजूर दूध के साथ पिया करें। नंबर 47, खरबूज के छिलके को उबालकर इसका पानी रोज़ाना पीने से गुर्दे की पथरी टूटकर यूरिन के ज़रिए निकल जाती है। नंबर 48, अगर नाक में कीड़ा चले जाए तो गुलाब का रस उंगली पर लगाकर नाक में रखे, कीड़ा बाहर निकल आएगा। नंबर 49, जिन लोगों को नाक से खून जाता है फौरन कच्ची ईंट या कच्ची मिट्टी सूंघने से खून आना बंद हो जाएगा। नंबर 50, जो औरतें बच्चे को दूध पिलाती हैं, पनीर, भिंडी, डोंडे, मेथी, मछली, गोश्त और अंडे का ज़्यादा सेवन करें। तो दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो और एक न्यू जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।